दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो जानता भी नहीं इनको। ये दिखे, मैंने आपसे कहा था कि मैं इनको उठाने को तैयार हूं। मैं अपने आप को उठाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको आसमानों पर देखना चाहता हूं। आप लीडर बनो, आप कायद बनो, मुकद्दर के फैसले आप करो। कब तक अखियार हमारे मुकद्दर का फैसला करेंगे? कब तक जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है वो हमारे जिंदगियों का फैसला करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कब तक हम कांग्रेस के पास जाकर भीख मांगेंगे कि हमको लीडर बनाओ? अरे आप आओ, ये आपकी पार्टी है, मजलिस आपके ख्वाबों को पूरा करेगी, मजलिस आपसे इंसाफ के लिए लड़ना चाहती है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। ये अनस साहब कोशिश कर रहे हैं, इस्माइल साहब कोशिश कर रहे हैं, मैं अनस साहब को, इस्माइल साहब को खुलकर कह रहा हूं, आप आओ इस प्लेटफॉर्म पर, मैं आपको मेरे कंधे पर बिठाने तैयार हूं। आप आइए, मैं आपके पीछे खड़े रहने को तैयार हूं। मैं भी चाहता हूं कि आप आगे बढ़े, मगर आप ऐसी पार्टी में बैठे हैं कहां है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो जानता भी नहीं इनको। को इस्तेमाल करते हैं सेकुलरिज्म के झूठी बातों पर। इसीलिए मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि 5 तारीख के दिन मुफ्ती हसन शब्बीर साहब को अपने दुआओं से नवाजिए। इनको दुआ करिए कि अल्लाह इनको और हौसला दे, दुआ करिए कि अल्लाह इनको और खिदमत करने का जज्बा दे। और जो लोग हनीफ, हाजी हनीफ के बारे में कह रहे हैं, हनीफ मेरा था और मेरा ही रहेगा इंशाअल्लाह। मैं हमारे भाई अनस साहब का, इस्माइल साहब का वेलकम करता हूं। मैं इनके इनके जज्बे को सलाम करता हूं कि वो, अब आप देखिए, इस्माइल भाई नीचे थे, हमने ऊपर उठा लिया। अब आप इनको और अपनी दुआओं से और मोहब्बतों से नवाजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का, बेहद शुक्रिया। पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।